भाई अब ऐसे ले जाने पड़ेगी क्योंकि दो से नहीं उठाई जा रही है। तो चले भाई ले जाते हैं इसको, जरा माँ को सरप्राइज देते हैं। जरा तो ऐसा होता है जब आपको मजदूर नहीं मिलता ना कई बार। यूट्यूबर का दूसरा नाम है मजदूर, काफी मुश्किल। तो भाई माँ को पता ही नहीं ये क्या है। बाबा मैं तो पता नहीं क्या है। तो चले माँ को पता नहीं, ये कपड़े धुलने की मशीन है। कपड़े धोने की मैंने, ये कपड़े धुलने की मशीन। तो भाई आप मेरे को आज अलग ही अंदाज में देख रहे होंगे। तो भाई साहब ये है अनीता की टोपी, यानी कि एनसीसी की। अब मुझे नहीं पता मैंने सुलटी पहनी है उल्टी पहनी, क्योंकि भाई हमारी एनसीसी तो कभी रही नहीं, और हमारे रहते रहते यहाँ कभी एनसीसी आई नहीं। अब जाके एनसीसी आई, यहाँ होती तो जरूर ज्वाइन करते। तो चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भवना और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो मेरे गांव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो मौसम की बात भी कर लेते हैं। मौसम की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से साफ है, यानी कि आज सूर्यदेव को फिर से प्रणाम करते हुए और इंद्रदेव को भी फिर से प्रणाम करते हुए आज के ब्लॉग की शुरुआत कर ही लेते हैं फिर से। तो चलिए इधर की बात की जाए तो यहाँ पहले आप देखिए, तो यह है नींबू का अचार। हालांकि डब्बा सेंटर फ्रूट का है तो आप इग्नोर करिए, सेंटर फ्रूट सुन के ही जीभ लबलब आ जाती है, लेकिन चलिए कोई नहीं, इसमें अचार रखा हुआ है। और इधर की बात की जाए तो माँ लगी है मटर छिलने पे। तो माँ जी आज किस चीज़ की सब्जी बन रही है? आज आलू मटर, क्या बात है, बनाओ फिर। और इधर की बात की जाए तो भाई साहब शेरू महाराज सुबह ड्यूटी पर चले गए हैं, यानी कि सुबह खुलते ही ड्यूटी पे चले जाते हैं, बाकी शाम को आते हैं। कभी कभी उनकी जल्दी छुट्टी हो जाती है, दिन में भी आ जाते हैं, इसीलिए जगह यहाँ पे सूनी सूनी है। और अपनी बात करूँ तो भाई साहब तुम्हारा भाई बिंदास लग रहा है आज, नए लुक में भाई आज। और मैं कल उत्तरकाशी से शाम को आ गया था, तो नाना जी तो अभी मार्केट जा रखे हैं, यानी कि नाना जी आज अपने घर चले जाएंगे, तो शायद एक दो दिन में अनीता भी आ जाएगी। तो भाई ब्लॉग की शुरुआत हो और मधुली और बिंदु को ना मिला जाए ये तो भाई इम्पॉसिबल है। चलिए इनसे भी आपको रूबरू करा देते हैं। तो भाई आप देखिए हमेशा की तरह भाई साहब तो बैठ रखे हैं और महारानी जी खा रही है, तो यानी कि फिर से पास जाऊंगा तो पहले ही लाल आंखों से घूरने लग गई है। हाँ जी हेलो महारानी, क्या हाल बा? तो भाई खतरा ही भाई, कोई फायदा नहीं है, खुदा ना खास उसके संगल टूट गए ना, तो उसके बाद वो मेरे को 1 से 100 तक गिनती गिना गिना के पट गई। बाकी यहाँ देखिए इतने सारे बर्तन धुलने के लिए रखे हुए हैं, और ये देखिए चकला तैर रहा है पानी में, वाह ये देखिए अजूबा, डूब जा, अरे वाह मजा आ गया देख के। बाकी यहाँ मेथी और पुदीना आराम से उग रहा है भाई। तो आप लोगों से एक बात बता देता हूँ, मैं इधर बताता हूँ, उधर मम्मी है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि अपनी माँ के लिए वॉशिंग मशीन लाओ। हालांकि मेरी माँ को पता नहीं वॉशिंग मशीन क्या होती है और कपड़े कैसे धुले जाते हैं उसमें, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से और आप सबके सपोर्ट की वजह से मैंने वो वॉशिंग मशीन भी बुक करा ली उत्तरकाशी में, कल करा दी थी, आज वो गाड़ी से इधर आ रही है, यानी कि दुकानदार ने कहा कि मैं उसको गाड़ी पर भिजवा दूंगा, तो आज 2-2:30 बजे वो यहाँ आ जाएगी, उसके बाद देखते हैं माँ की रिएक्शन क्या होते हैं। ये सब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है, ऐसे अपने पहाड़ी भाई को सपोर्ट करते रहें, और माँ की खुशी का नज़ारा कुछ और ही होगा उसके बाद देखने का। और अनीता भी जब अपने गांव से आ जाएगी तो उसके बाद वो भी खुश हो जाएगी, क्योंकि हर किसी के पास वॉशिंग मशीन थी तो हमारे पास नहीं थी, आप लोगों ने इतना प्यार किया कि मैंने वॉशिंग मशीन ला दी, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए थे, तो भाई आपको दिल से प्रणाम करता हूँ। और शेरू भी आ गया, तो चलिए फाइनली शेरू महाराज भी आ गया है, और नाना जी आए तो नाना जी के पीछे पीछे आ गया। हाँ जी कहाँ हो गए छुट्टी? चलो बैठ जाओ। शाबाश, तो छुट्टी हो गई इनकी आज। एक्चुअली क्या हुआ कि इसने नाना जी को मार्केट में देखा तो नाना जी घर आए, तो ये भी नाना जी के पीछे पीछे आ गया। तो चलिए देखते हैं अभी क्या क्या होता है, पहले गर्मा गर्म चाय पीते हैं। तो गर्मा गर्म चाय मिल चुकी है, और पहाड़ों की इन हसीन वादियों में गर्मा गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ और है। तो चलिए चाय पीते हैं और जाते हैं चूल्हे पे, चूल्हे पे जल रही आग, और चूल्हे के पास भाई चाय पीने का मजा ही कुछ और है। वहाँ नाना जी भी चले गए हैं, खाने की तैयारी हो रही है। अच्छा तो ये देखिए यहाँ खाने की तैयारी हो रही है चूल्हे पे। हाँ वो देखिए माँ ने गेंजे बना रखे हैं, तो कौन भाई हो? ये देखिए गेंजे, तो ये चावल को भिगाते हैं, उसके बाद घराट पे ले जाते हैं, और उसके आटे का बनता है ये, इसको गेंजा बोलते हैं हमारे यहाँ। गेंजा बहुतों के यहाँ होता होगा, एक पर्व भी होता है इसका जिसमें गेंजे बनाते हैं। तो चलिए भाई चूल्हे के पास चाय पीते बैठ गए। तो चलिए मैंने थोड़ा मुंह धुल दिया है और मैं जा रहा हूँ थोड़ा मार्केट,
मार्केट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि नाना जी आज जा रहे हैं अपने गांव। हालांकि जाना मेरे को भी है, मैं शाम को जाऊंगा, लेकिन उनका भी काम है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अभी चले जाता हूँ, उनकी पाठ पूजा होगी कहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं चले जाता हूँ, बाकी तू शाम को आ जाना। तो अभी मैं ये ले जा रहा हूँ ऊपर सड़क तक गाड़ी के पास, क्योंकि नाना जी बेचारे चढ़ाई नहीं चढ़ पाते हैं, काफ़ी वृद्ध हैं। तो ये सामान मैं ऊपर ले जाता हूँ और मार्केट में उनके पास। मैं कई बार बोलता हूँ कि जो नाना जी लोगों की उम्र है ना, उस उम्र में जाना काफ़ी इम्पॉसिबल हमारे लिए, क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूँ कि घी मक्खन दूध अब नहीं मिलता है, लोगों ने ये सब चीज़ें छोड़ दी है, गाय भैंस पालना, और डिपेंड हो चुके हैं मार्केट पे। ले जाता हूँ ये जल्दी देता हूँ भाई साहब, ये चढ़ाई चढ़ के तो भाई मुझे भी सांस चढ़ने लग गया। तो चले, मैं फाइनली सड़क पे पहुँच गया हूँ और नाना जी आधा घंटा पहले से निकल रखे हैं और यहीं पे पहुँचे अभी, यानी कि बैठ बैठ के आ रहे हैं, और ये जो उम्र होती है काफ़ी पीड़ादायक होती है। ठाकुर लागू ने सांस चढ़ने, अच्छा हाँ वो तो यही उम्र पर चला है। तो भाई इस उम्र में काफ़ी दिक्कतें होती है, और यानी कि इंसान जो ज़िंदगी भर अपनी पूरी मेहनत करता है, लेकिन बुढ़ापे में उसको उतना ही दर्द भी झेलना पड़ता है। तो नाना जी जब चढ़ाई चढ़ रहे थे तो कई बार बैठ रहे थे, अभी हालांकि हम तो चल रहे हैं, लेकिन अगर खुदा ना खासी इस उम्र में हम चले गए तो लगा लो हमारे क्या हाल होंगे। तो चले भाई, नाना जी यहाँ बैठे रहेंगे। मामा जी प्रणाम, क्या है क्या खा रखना है? चलो ठीक था, आराम जाए है, ठीक था मन है। हाँ तो ये रहने दो, ये बैग मैंने नाना जी को कहा कि इसको रहने दो, इसको मैं दिन में लाऊंगा 3 बजे, क्योंकि नाना जी का ये बैग बहुत भारी हो रहा है ना। मैंने कहा नाना जी को ये वाला ले जाओ, ये मैं अपने आप लाता हूँ शाम को, ठीक है? ठीक था मैं। तो नाना जी को मैंने वहाँ छोड़ दिया है, बाकी थोड़ा नाए यहाँ गया था, थोड़ा दाढ़ी वाल बनाए, तो भाई लग तो नहीं रहा होगा क्योंकि हल्का सा सेट कराया मैंने, और खासकर माँ को बताऊँ तो माँ तो हंसेगी, कहाँ बनाया तुम्हें, झूठ बोल रहा। उनको नहीं लगता ना, वो चाहते कि पूरी क्लीन सेप कर दे, इतने हमारे बस की नहीं है। फिर भाई पहले बंदर है, ऊपर से और ज़्यादा साफ कर देंगे तो बंदर लगेंगे। अब घर चलते हैं, बाकी वॉशिंग मशीन वाले को मैंने फ़ोन कर दिया है कि हमारे ड्राइवर साहब आ रखे हैं तो वो गाड़ी पर रख देना। तो भाई साहब ने तो बोल दिया मैं ला दूंगा बल, तो 1-1.5 बजे का इंतजार करूँगा, उसके बाद निकल जाऊँगा यहाँ से कमद। वहाँ आ रही है माँ दुधियाड़ी देवी, जो कि 12 साल में एक बार आती है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा नहाते हैं, 1 बजे का इंतजार करते हैं, और उसके बाद रफू चक्कर कमद में। तो चले मैं फाइनली घर आ गया हूँ, और शेरु महाराज, हाँ जी महाराज जी, लेटो लेटो आराम करो, और इधर, अच्छा माँ धुल रहे बर्तन। बैठे मैं नाना, मतलब बैठ नाना तक ही बैठे दुकान पर ना, तो गाड़ी आई नहीं तक, नाना बड़ू झोला भी था, मिलता है मैं लियोल बाद माँ, वो बहुत भारी था कौन यो झोला, तब तू ही लेबल। तो बाकी माँ यहाँ बर्तन धुल रही, तो मैं भी थोड़ा एक बार ये लार का शैम्पू हेड एंड शोल्डर इससे बाल धुल देता हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं, अब इसको धुलते हैं फिर रेडी होते ज़रा। तो वैसे फाइनली मैंने शैम्पू से सर को धुल दिया है, बाकी यहाँ आप देखिए ताऊ जी सिंचाई कर रहे हैं, वहाँ ये राई बो रखी है, तो आजकल उसकी सिंचाई हो रही है क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही। नहीं बड़ा जी बरखा नहीं होती, हाँ जाने बोलता हूँ। तो शाम के 4 बज गए और गाड़ी वाले का फोन आ गया कि हम आ चुके हैं, तो चलिए लेने चलते हैं जरा। और ये देखिए हमारे गांव का नज़ारा कुछ ऐसा है, यानी कि धूप उधर साइड चलेगी और बाकी यहाँ धूप है ही नहीं, और शेर हमारा सो रखा है। तो चलिए चलते हैं सड़क के ऊपर, मैंने संजू को बुला दिया है, अब जाते हैं मशीन लेके आते हैं। तो भाई संजू भी आ गया है, अब निकलते हैं सड़क पे, बाकी यहाँ आ रहा फेरी वाला कपड़े लेके। शाबाश शाबाश। तो भाई साहब दयाराम जिसको कि वायरल कर रखा था, हाँ भाई लगे, तो ये सीमेंट का कटा ले जा रहा है, चल चल बढ़िया बढ़िया है। तो चले भाई फाइनली आ गई है गाड़ी, तो इससे निकालते हैं वॉशिंग मशीन। पेपर ठीक है? ठीक है भाई जी, हो जाएगा ना सर, लग तो रहा सेटिंग वाला ना वो जो अभी आप पता है आकम सिंह ना हो पैदा को है ना आज, अरे कोई भरोसा नहीं भाई जी। चल तो चले भाई अपनी वॉशिंग मशीन आ गए, बाकी हिसाब करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद, कितना अपना अपना जोड़ के बता रहे ना आप, कम घाटा मत खाना, ये बात नहीं है, जो भी है बताओ आप। 600 तुम कहना है कि ना, हम क्या करेंगे,
तो चले भाई फाइनली हिसाब हो गया, अब इसको ले जाते हैं घर। ले जाए सर, चलो भाई अब। ओ भाई अब ऐसे ले जानी पड़ेगी क्योंकि दो से नहीं उठाई जा रही है, तो चले भाई ले जाते हैं इसको, जरा माँ को सरप्राइज देते हैं जरा। तो ऐसा होता है जब आपको मजदूर नहीं मिलता ना कई बार, तो खुद ही मजदूर बनना पड़ता है, और यूट्यूबर का दूसरा नाम है मजदूर, बेरोजगार। तो ये भी होता बेरोजगारी में। काफी मुश्किल। दादी बधाई हो वॉशिंग मशीन की। वॉशिंग मशीन, कपड़ा धोने वाली मशीन। भाई माँ को पता ही नहीं ये क्या है, मैं सरप्राइज दे रहा था, माँ ने बोला ये क्या लाया इन्होंने इतना बड़ा। तो आप लोगों ने कमेंट किया था ना कि मशीन लाओ मशीन लाओ, तो भाई ला ही दिया तुम्हारे भाई ने फाइनली, जरूरत की चीज है। बाबा मैं तो पता नहीं क्या है। गबुटोन भी आ गया भैया, और गबुटोन क्या है ये? तो चलिए माँ को पता नहीं, ये कपड़े धुलने की मशीन है, कपड़े धोने की मेरी, ये कपड़े धुलने की मशीन, कल खोलेंगे इसको, आज इसको ऐसे रहने देते हैं, मेरी बस की नहीं आज। तो चलिए भाई मशीन भी आ गई है, सब आप लोगों का प्यार है, माँ को पता ही नहीं चला ये क्या है, बार बार बोल रही है क्या ये है क्या ये, तो उन्होंने देखी नहीं ना मशीन कैसी होती है कपड़े धुलने की, वो शौक हो गए हैं कपड़े धुलना, कपड़े और मशीन भी धुलती है, इनको पता ही नहीं भाई। तो चलिए बाकी संजू भी आ रखा, गब्बू डॉन भी आ रखा है, थोड़ा इनके साथ चाय पीता हूँ, उसके बाद मैं निकलता हूँ यहाँ से, कमद और काफी लेट हो रही मुझे, और पता है आपको दिन आजकल छोटे हैं तो रात भी पड़ जाती है। चलिए जल्दी चाय पीते हैं, तैयार होता हूँ फिर निकलता हूँ यहाँ से अपने धनों पे कमद। बाकी संजू भाई तो कल निकल जाएगा ना, चलो इनको मिलेंगे आप सीधे मार्च में हेमंती भाई की शादी में, ठीक है भाई? तगड़ा, पहले आ जाना कुछ दिन पहले। चलिए फाइनली अपने धनों तैयार हो गए, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से कमद, आज माँ है या अकेली, ठीक है माता मैं, ठीक है संजू भाई कल जाओगे, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर जल्दी है, तो आराम से रहे आज वहाँ। तो माँ यहाँ अकेली है, तो अनिता को लेके आऊँगा कल साथ में, तो ले जाते इसको और मिलते हैं आपको अच्छे व्यू के साथ। चलिए चलिए मैं फाइनली पहुँच गए हैं, और थोड़ी देर में रात पड़ने वाली है, लेकिन चलो ठीक टाइम पर पहुँच गए हम, अब जाते हैं पहले गर्मा गर्म चाय पीते हैं भाई, टेम्परेचर लो हो गया बॉडी का, हाथ जाम हो गया एकदम। मामा पहुँच गया, नानी बना, ठीक है फर्स्ट क्लास। तो चले मैं पहुँच गया हूँ, और बाकी साथ में ये देखो यहाँ शेरों को बचाओ, इधर आ ले, अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, सही है सही है। बाकी वहाँ है सामने पे हो रहा माँ का कार्यक्रम, तो थोड़ी देर में जाते हैं वहाँ।